कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों को देखने के लिए मुरादाबाद कमिश्नर का संभल में आगमन हुआ, जहां पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से वार्ता की। साथ ही जिला अस्पताल का निरीक्षण व राशन वितरण प्रणाली की जानकारी अधिकारियों से लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार को मुरादाबाद कमिश्नर आंजी कुमार ने जिला संभल का दौरा किया। सबसे पहले कमिश्नर संभल मुख्यालय स्थित बहजोई पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ वार्ता कर कोविड की चेन तोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। उसके बाद कमिश्नर चंदोसी पहुंचे, जहां उन्होंने राशन वितरण प्रणाली को देखने के साथ ही एक दुकान का निरीक्षण भी किया। उसके बाद मुरादाबाद कमिश्नर ने कस्बा संभल की तरफ रुख किया, जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में कमिश्नर के पहुंचने पर अस्पताल के कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कमिश्नर ने CMS से कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। साथ ही अस्पताल में बनाए गए तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्चों के बाढ़ को भी देखा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी देखा। मुरादाबाद कमिश्नर आंजी कुमार ने बताया कि संभल में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाली बीमारियों की आशंका को लेकर भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। अगर कोई सरकार के विपरीत कार्य करते हुए पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए, बेसिकली इस समय पूरा एक अभियान चला हुआ है, जो कोरोना का संक्रमण है उसको किस तरीके से चेन तोड़ें और जो इसका प्रसार है उसको बहुत तेज़ी से इसमें सुधार आया है, लेकिन इसको एक तो शून्य करना है जितना संभव हो सके, और इसमें हमारी तैयारी कितनी है और अगर कहीं आगे इसके चांसेस हैं फैलने के, क्योंकि 70% अभी भी गाँव की आबादी है वो इससे संक्रमित नहीं हुई है, तो अगर ऐसा कोई है कि संक्रमण और आगे हो सकता है जैसे कि वायरस के केसेस में होता है, तो हमारी उसके लिए तैयारी क्या है। और जैसा कि एक WHO के द्वारा भी कहा गया कि बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है, तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या, हम हर एक स्तर पर देख रहे हैं। और हमारी बेसिक कोशिश ये है कि गाँव से लेकर शहर तक का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनावें कि ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी दोनों ही तरफ बराबर रहे। बच्चों का हॉस्पिटल जो सर यहाँ बनने के इंतजाम हो रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तो शुरुआत है जी सर, अभी ये शुरुआत है और इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने अभी लोगों से कहा है, लेकिन अब चूँकि शुरुआत ही कर रहे हैं ये, उसमें तैयारियाँ भी बहुत काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी उसमें, कि ताकि बच्चों के लिए तैयार हो पाए। बच्चों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग होता है, तो वो हम तैयारी करवाएं। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ है, आप लोग यहाँ पे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से जो कहना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे जो मूल उद्देश्य है इस निरीक्षण का, हर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने क्रय केंद्र भी देखे, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। जो मूल उद्देश्य है वो ये कि फिलहाल तो कोरोना को कंट्रोल में पूरी तरह से लाए, और इसमें एक चीज़ लोगों को समझना होगा कि जो पीछे लहर आई थी, मतलब जो अभी पीक पे हम लोग चले हैं पिछले एक महीने, उसमें हॉस्पिटल्स पूरी तरह से इंगेज रहे, और एक चीज़ देखने को आई कि जो संक्रमित हुआ उसमें से ज़्यादातर जो लोग ICU में गए उन लोगों के की मृत्यु दर भी ज़्यादा रही। तो जिसको शुरू से इलाज मिला उसको भी, मतलब जिसको हमने शुरू से इलाज दिया डेथ उसकी भी हुई, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें इलाज नहीं मिला। दो तीन चीज़ें हैं इसमें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई जगहों पर मृत्यु का ऑडिट किया है, 40 से 50 के ऑक्सीजन लेवल पे जब आप हॉस्पिटल को लेके आएंगे तो वैसे ही रोगी की स्थिति बड़ी ख़राब रहती है। पहली बात तो एक तो अर्ली अलार्म होना चाहिए, लोगों में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हम कब हॉस्पिटल को अप्रोच करें। दूसरा, घर घर से सिलेंडर लगाने की जो कवायद शुरू हुई, जो हम होम आइसोलेशन में सिलेंडर लगा लेंगे और काम चल जाएगा, खाली सिलेंडर ही काम नहीं करता, इसमें ट्रीटमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है हॉस्पिटल में आनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों ने अभी इसका कहर देखा है, और पूरे दुनिया के डॉक्टर बोल चुके हैं कि दो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपाय हैं इससे बचने के। पहली बात यह है कि हम इसको होने ही न दें, संक्रमण फैलने न दें, और दूसरा वैक्सीन, और इन दोनों पर हमारा खासा फोकस होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों में जागरूकता इस चीज़ को लेकर नहीं है, अभी भी उन्होंने जो मास्किंग है, डिस्टेंसिंग है, इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर देख रहे हैं। हमें अगर बचना है, मैंने ग्राम प्रधानों से भी आज बात की, मैंने कहा अगर बचना है तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा कि बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरा, जैसे जैसे वैक्सीन आती है हम वैक्सीन पे जाएँ, और वैक्सीन जो लोग एलिजिबल हैं वो वैक्सीन लगवाएं। सर, ब्लैक फंगस रोकने के लिए क्या है? देखिए, बचाव में एक चीज़ आप देखिए कि कोरोना में सब लोगों ने हर एक चीज़ तरीके से हाईलाइट किया कि जो व्यवस्था थी, व्यवस्था इसके लिए तैयार नहीं थी, सब कुछ। अब क्या हम तैयार थे?
जिस बीमारी को सबसे ज़्यादा अगर जिसका लेवल यह है कि संक्रामक है, बड़ी तेज़ी से फैलती है, और उसका अगर पूरी दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका जो बचाव सबसे बड़ा कि हम इसको होने ना दें, संक्रमण को फैलने से रोकना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सोचिए इसमें रोल सबसे ज़्यादा किसका बनता है, पब्लिक का। तो क्या हम रोल अपना प्ले कर पाए? जो पब्लिक है वो आज भी इस चीज़ को समझती है कि संक्रमण कैसे फैलता है, क्या उससे अभी भी हम बचाव को उपाय कर रहे हैं, ये सोचना होगा। क्योंकि इसीलिए मैंने जानबूझ के कहा कि जिसको इलाज मिला ऐसा नहीं है कि उसकी डेथ नहीं हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसको इससे बचाव करना होगा, और गंभीरता से। मैं ये आप चाहे जितनी भी थ्योरी दुनिया की लगाई सबकी सुन लीजिए, लेकिन जीवन पहले है, उसमें ना कहीं किसी तरीके की कोई विचारधारा आनी चाहिए, ना किसी तरीके की सोच आनी चाहिए। जीवन को बचाने के लिए सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, और बिना सबके सहयोग के बीमारी पे कंट्रोल हम नहीं कर सकते। सवाल था जो कोविड पेशेंट है जिनको L2 बनाया गया 20 सालों को, वहाँ 25 साल में परमानेंट रोज चार्ज लिया जा रहा है, उसमें क्या करना आपका ये संबंध है? L2 हॉस्पिटल बनाए गए हैं प्राइवेट में जी, वो 25 साल में परमानेंट ले रहे हैं। देखिए इसके संबंध में मैंने आज ही DM साहब से बात की है, जहाँ पे ओवर चार्जिंग होगी उस पर हमारी सख्ती रही है, मुरादाबाद में भी किया गया है, हॉस्पिटलों में रेट डाला गया है। जब शिकायत आई है समझ, और यहाँ तक कि उसकी हमने दूसरी भी व्यवस्था की हुई है, जैसे जो मरीज भर्ती होते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होते हैं। मैंने मुरादाबाद में भी लोगों के कहने पे हर एक मरीज से बात की, वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं मिली। जब तक हमें मिलती नहीं है तब तक उस पर कार्रवाई, तो लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है लोग आगे आएँ हमें बताएँ, निश्चित रूप से नहीं बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी लोग हमें सहयोग करते हैं और चीज़ें अगर हमारे सामने आती हैं कि डॉक्टर पर्ची पे कुछ लिख रहा है, मतलब स्लिप किसी और चीज़ की दे रहा है और वसूल कुछ और रहा है, और अगर उसने प्रॉपर अगर बनाया हुआ है कि जितने की आपको जितना आपसे पेमेंट लिया उतनी अगर स्लिप लिया है तो वो तो रिकॉर्ड में, उसको हम देख लेंगे। अगर ऐसी चीज़ है तो हमारे संज्ञान में लाई जाए। मैंने प्रशासन से इस बारे में बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे सभी मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाए। सर संभल में 18+ के लिए वैक्सीन कब से शुरू हो पाएगा? देखिए उसमें पहले चरण में दूसरे चरण में हम इस समय चल रहे हैं, 23 जनपदों में शुरू हो गया है, बारी बारी से सारे जनपदों में आएगा। उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। वैक्सीन बन रही, वैक्सीन के बनने का एक चरण होता है जिसमें एक निर्धारित अवधि से पहले आप वैक्सीन तैयार करके मार्केट में नहीं डाल सकते। जैसे जैसे वैक्सीन आ रही वैसे वैसे चरणों में हो रहा है, मुरादाबाद में शुरू हो गया है और मुरादाबाद के बाकी जनपदों में भी अब जल्द ही शुरू हो जाएगा, और जो शुरू होगा सबको करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं लोगों से ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि हबड़ी ना दिखाएं, मतलब एक जगह वैक्सीन लगी तो आप पूरे एकदम बल्क में पहुँच गए, जब आपके मोबाइल फ़ोन पे इसकी सूचना आ रही है। जिसके मोबाइल फ़ोन नहीं है वो एक पर्सन कई लोगों का रजिस्ट्रेशन एक साथ जब कर सकता है, तो हमें हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत क्या है? जो आपका शेड्यूल आता है आप आइए वैक्सीन लगवाइए। इसके पहले आप सोचिए कि जब हम वैक्सीन के लिए, अच्छा लोग पूछते हैं कि वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं मिली कि कहाँ कहाँ वैक्सीन लग रही है, हम लगातार बताते रहे बस लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कहाँ कहाँ टेस्टिंग हो रही है हम बताते रहे लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं, क्योंकि उस समय सुनना नहीं चाहते। हमारी RR टीमें जब गई जाँच के लिए तो उस समय लोगों ने भगा भी दिया कई सारी जगहों पर, आप ही लोगों के थ्रू मार्फत पता चला कि कई सारी जगहों पर जाँच कराने से इनकार कर दिया गया और भगा दिया गया, और आज भी बहुत सारे लोग जाँच नहीं कराना चाहते। जहाँ पे जांच के लिए टीमें जा रही हैं सहयोग करें, जांच करावें। इस बीमारी का पता चलना सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्ली स्टेज पे, अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से आपकी टेस्टिंग में देरी होती है तो निर्देश आ चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसके सिम्टम कोरोना का है उसको तुरंत हम दवा देना शुरू कर दें, तो बताएँ। तो जो वैक्सीन से मतलब संक्रमण रोकने से लेकर वैक्सीन तक का चरण है वो उसमें लोगों को सहयोग करना पड़ेगा हमारे साथ, और निश्चित रूप से धीरे 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 सारे लोगों को हम वैक्सीनेट भी करेंगे और इस बीमारी पे कंट्रोल भी करेंगे। सर कोरोना की जो जाँच हुई निजी लैब में मुरादाबाद संभल गई, तो वहाँ जो है ब्लॉक और मोहल्ला जो है पैसे लेके चार्ज करके एक्स्ट्रा पैसे लेकर के उसकी जानकारी गुप्त रही और वो लोग अपना कारोबार व्यापार कर रहे हैं, तो उसी में भी संभल गई, इसमें क्या करना? ऐसे मामले जब भी सामने आएंगे, कई जिन जिन जगहों पर सामने आए हमने पूरे लैब को चेक कराया और कई लैब बंद भी की गई और उनके खिलाफ पेनल एक्शन भी हुआ। जैसे जैसे मामले सामने आएंगे किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके की बीमारी के मामले में किसी को गड़बड़ करने नहीं दी जाएगी और उस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।